Good morning to all of you. I am Arshna Jha from Star Plus Public School. Now I am going to teach you the 8th chapter of JK Freedom Fighters. Today we will learn about freedom fighters who have sacrificed their life for India. Khan Abdul Ghaffar Khan. Khan Abdul Ghaffar Khan, nicknamed Fakhri Afghan, he was a political and spiritual leader known for his non-violent opposition. He was a lifelong pacifist and devout Muslim. Bacha Khan or Khan Abdul Ghaffar Khan founded the Khudai Khidmatgar movement in 1929. Khan Abdul Ghaffar Khan, jinka upnaam Fakhri Afghan bhi tha, और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, बच्चा खान भी कहा जाता था, वे जो है एक राजनीतिक और एक आध्यात्मिक नेता थे जो अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, ये बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार जो है वो मूवमेंट आंदोलन की रचना की थी। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर इज चित्रंजन दास। चित्रंजन दास को कॉल्ड देशबंधु, इट मींस फ्रेंड ऑफ द नेशन। इन्हें देशबंधु कहा जाता था, जो राष्ट्र के मित्र माने जाते थे। वाज अ लीडिंग बंगाली नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन, ए प्रोमिनेंट लॉयर एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड फाउंडर लीडर ऑफ द स्वराज इंडिपेंडेंस पार्टी इन बंगाल ड्यूरिंग ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन इंडिया। He was also a poet and author. चित्रंजन दास जो है उन्हें देशबंधु माना कहा जाता था। वो एक बंगाली क्या थे, बंगाली राष्ट्रीय ये पॉलिटिशियन थे, यानी कि राजनीतिज्ञ थे, एक वकील भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलन के सेनानी भी थे। इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन की थी ब्रिटिश जब आंदोलन हो रहा था उस समय, और वो एक क्या कवि भी थे। ठीक है, और लेखक भी। नेक्स्ट इज खुदीराम बोस। शहीद खुदीराम बोस वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी हु अपोज्ड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन द मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस अलॉन्ग विद प्रफुल्ल चक्की। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड सब्सिक्वेंटली एक्सक्यूटेड, मेकिंग हिम वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टियर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। शहीद खुदीराम बोस के बारे में तो सुना होगा, ये भारत के बहुत ही महान क्रांतिकारी में से एक थे, जो बहुत यंगेस्ट, बहुत ही अल्प आयु में इन्होंने वह कर दिखाया जो एक युवाओं के पीढ़ियों के लिए एक जो है वो क्या हो गया, एक इंस्पिरेशन, प्रेरणादायक का काम किया। इनका मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के बारे में तो सुना होगा, जिसके साथ प्रफुल्ल चक्की भी थे, जिन्होंने इन दोनों को जो है उस समय मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जब वहां के जनरल आ रहे थे तो उनको बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसमें उनके साथ ही प्रफुल्ल चक्की भी को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस समय ये वो सबसे युवा शहीद कहलाए थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के। नेक्स्ट वन इज महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे वॉज एन इंडियन स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर, जज एंड ऑथर। महादेव गोविंद रानाडे जो है वो भारतीय क्या विद्वान, सामाजिक समाज सुधारक, जज और न्यायाधीश और लेखक भी थे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड ओन सेवरल डेस्टिनेशन एज मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमेटी एट द सेंटर एंड जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र। ये एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में माने जाते हैं, और ये बहुत सारे डेस्टिनेशन के सदस्य, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे जो है कार्यपालिका परिषद में, वित्तीय आयोग के जो है केंद्र में, और बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी इनको बहुत सारे इनके सदस्य के रूप में ये जाने जाते थे। नेक्स्ट
राम प्रसाद बिस्मिल, ये राम प्रसाद बिस्मिल वॉज एन इंडियन रेवल्यूशनरी हु पार्टिसिपेटेड इन मणिपुरी कंस्पिरेसी ऑफ मणिपुरी कंस्पिरेसी ऑफ 1918 एंड काकोरी कंस्पिरेसी ऑफ 1925 एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. बिस्मिल वॉज हैंग्ड ऑन 19 दिसंबर 1927 बाय द ब्रिटिश फॉर हिज रेवल्यूशनरी एक्टिविटीज. As well as being a freedom fighter, he was a patriotic poet and wrote in Hindi and Urdu using the pen names Ram, Agyat and Bismil, but he became popular with the last name Bismil only. राम प्रसाद बिस्मिल जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के एक बहुत ही प्रमुख नेता सेनानी थे, जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी. मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे. ये वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जिसमें इनके साथ काकोरी हत्याकांड में चंद्रशेखर आजाद भी इस हत्याकांड ये काकोरी कांड में शामिल थे. इन्हीं का वो जो है सबसे फेमस जो कोट्स है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था. ठीक है, ये बहुत बड़े कवि भी थे, हिंदी और उर्दू के कवि थे, जो अपने नाम राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम से उन्होंने उस मतलब अपने कविता में ही अपने नाम रखे और सबसे ज्यादा बिस्मिल के नाम से ये जाने जाते. ठीक है, शिवराम राजगुरु. शिवराम राजगुरु वो तीन मित्रों में से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम तो आपने सुना होगा कि जिन्होंने लाहौर हत्याकांड केस में तीन भारतीय क्रांतिकारी को फांसी मिली थी, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और एक सुखदेव थे. ठीक है, इन्होंने शिवराम हरी राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे. इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी. ठीक है, ये जो थी इनको जो फांसी जो लटकाया गया था उनका मुख्य कारण था लाहौर हत्याकांड. नेक्स्ट इज मंगल पांडे. मंगल पांडे वॉज एन इंडियन सोल्जर हु प्लेड ए की पार्ट इन द इवेंट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द आउटब्रेक ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857. ही वॉज ए सीपॉय इन्फेंट्रीमैन इन द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1984. मंगल पांडे जो है वो भारत के बहुत बड़े ये क्रांतिकारी में से एक थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह की जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के कारण हुई थी. ये जो थे वो एक सिपाही थे. सिपाही किसको कहा जाता था? सिपाही मतलब ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सेना रहते थे उसको सिपाही कहा जाता था. ठीक है, तो उस समय जो जब भारतीय सेना जो ब्रिटिश सेना में सिपाही रहते थे उन्हें बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था. तो इनका भी इसका विरोध करने के लिए, और दूसरा जब उस समय जब बंदूक में कार्टिज रहता था तो वो गाय का चमड़ी का बना हुआ था, उसी समय मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और इनके साथियों ने भी विरोध किया. और उसी समय जब ये विरोध किए थे उस समय उन्होंने ब्रिटिश को फायरिंग करना शुरू किया, लेकिन वो गोली चूक गई और ब्रिटिश लोग इनको मार दिए थे. उसी समय से ये आंदोलन जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का जो हुआ था, उनकी शुरुआत की जो नींव थी मंगल पांडे की वजह से ही हुई थी. लास्ट वन इज उद्धम सिंह. वेल हर्ड अबाउट उद्धम सिंह. ये उद्धम सिंह वही उद्धम सिंह है जिन्होंने जालियांवाला बाग का जो घटना का जो बदला लिया था, ठीक 21 साल बाद उन्होंने इसका जो है वो बदला लिया था. शहीद उद्धम सिंह वॉज ए रेवल्यूशनरी बिलोंगिंग टू द गदर पार्टी बेस्ट नोन फॉर इट एसोसिनेशन इन लंडन ऑफ माइकल
Dyer, the former Lieutenant Governor of the Punjab in India on 13 March 1940. The assassination was in revenge for the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919, for which Michael Dyer, General Dyer, was responsible. Singh was subsequently tried and convicted of murder and hanged in July 1940. शहीद उधम सिंह जो है एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और गदर पार्टी के जो है वो नेता भी थे। इन्होंने जो जो 1919 में जो जालियांवाला बाग की जो हत्याकांड घटना हुई थी, जिसके जिम्मेदार माइकल डायर को माना जाता है, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, तो इन्होंने उसका बदला ठीक 21 साल बाद उनकी हत्या करके ली और 19 जुलाई 1940 में इन्हें फांसी की सजा हो गई। Now that's all. Thank you.